मित्रों नमस्कार, एक बार इस पोस्ट को शेयर कर दो ताकि ये बच्चा अपने परिवार तक पहुंचे और अपने माँ बाप से मिले। तो मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। नेहरू नगर जो आदर्श स्टेडियम का जो मुख्य गेट है, मुख्य गेट के सामने जो और ब्रिज से नीचे उतरते ही एक होटल है, होटल के बाहर ये बच्चा बैठा है। सुबह से ही ये आदर्श स्टेडियम में बच्चा खेल रहा था, तो एक वहाँ का चौकीदार है, रमेश नाम का है लड़का, उसको ये बच्चा मिला और ये बच्चे को लेकर बाहर होटल पर आया है और इसने सभी मीडिया को सूचित किया। बाकी मीडिया पूरी टीम वहाँ पहुँची और इस बच्चे की खबरें भी वायरल की है। तो ताकि बच्चा कुछ बोल नहीं रहा है, अपना एड्रेस नहीं बता रहा है, अपने पिताजी का नाम नहीं बता रहा है, घर का पता नहीं बता रहा है, माँ का नाम नहीं बता रहा है, बाकी कुछ बोल नहीं पा रहा है, बस चुपचाप बैठा। नहीं, सुबह से इसने कुछ ये खाया है, इसको कह दिया कुछ खाने के लिए तो हर चीज़ का ये मना ही कर रहा है, खाने से इनकार कर रहा है। एक बार इस पोस्ट को शेयर करो ताकि साथियों ये बच्चा, ये पोस्ट घर घर पहुंचे और बच्चे की मदद हो, बच्चा अपने परिवार से मिले। कुछ बता नहीं रहा है साथियों, चुपचाप बैठा है, करीबन 2.5 से 3 वर्ष का बच्चा है। जल्दी से जल्दी इस पोस्ट को शेयर कर दो साथियों ताकि माता और पिता तक ये बच्चा पहुंचे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और चौकीदार जो रमेश है उससे भी बात हुई है, उसने भी जानकारी दी है ये बच्चा कहाँ था, किसके साथ जा रहा था और किसने पकड़ा इस बच्चे को, और रमेश से भी बात की है और रमेश क्या कहता है वो भी सुनो पूरी बात। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, दीजिए इजाज़त। परिजन मिल जाए इसलिए आप लोग वीडियो शेयर करें ताकि देखो ऐसे इसके कपड़े पहन रखे इस बच्चे ने, और बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम का जो गेट है उसके बाहर ये बच्चा बैठा है। जाना ये बच्चा ने अपना घाटे नए स्टेडियम रो वो मैं वहाँ आया है लाल लुकई जाते थे कोई घरों में जाते हुए भारो है कौन आपको कहाँ मिला ये? अरे आदर्श स्टेडियम मिला। हाँ फिर हम लोग खड़े थे कोई वो हिंदू जाते थे वो तो मेरे नहीं है किसी का है तो अरे लाल गेट हुआ पापा करे। हाँ और कोई नहीं इसका साथ साथ कोई हटे कोई इस बच्चे को जानते हैं तो वीडियो शेयर कर दें।